हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आज जो है मंगलवार है और सुबह के बज चुके हैं 7:30। अभी जस्ट आप सभी को मैंने एक क्लास समाप्त किया। आप सभी को पता है कि क्लास आपकी जो पॉलिटी की पहली बार चली थी तो वो क्लास समाप्त हो गई है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आज मंगलवार है और मैं हूँ अयोध्या से, मतलब डिस्ट्रिक्ट मेरा अयोध्या पड़ता है। और आज मैं जाने वाला हूँ कहाँ पे भाई? आज मैं जाने वाला हूँ अयोध्या दर्शन के लिए। बेसिकली अयोध्या में हनुमानगढ़ी जाने वाला हूँ। तो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे भाई, आपको भी दिखाऊंगा कैसा है हमारा अयोध्या, प्यारा सा अयोध्या जो है। और हनुमान जी के दर्शन आपको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो बिल्कुल स्टार्ट होने, मतलब तैयारी पूरी हो चुकी है, नहा धो के रेडी हैं। क्लासेस भी आपकी थोड़ी वो जो करनी थी रिकॉर्ड मैंने कर ली है सुबह उठ करके ही। और अब जो है बिल्कुल बाइक से ही जाएंगे और पूरा आपको रास्ते भर का थोड़ा बहुत व्यू दिखाते हुए जाएंगे कि कैसे कैसे पड़ता है। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर के आसपास यहाँ से मेरे घर से जो है अयोध्या जो पड़ता है, हनुमानगढ़ी जो है बेसिकली आपका पड़ता है। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर, जो चीज़ें हैं देखेंगे, ठीक है? तो चलिए बिल्कुल चलते हैं पहले बाहर। पहले थोड़ी जो चीज़ें, हेलमेट हो गया और जो DL है सब ले लेते हैं, उसके बाद बाहर चलते हैं और देखते हैं। और मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। और हाँ, थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हैं बताइएगा, कमियाँ क्या हैं ब्लॉग बनाने में, बताइएगा क्या क्या गलतियाँ, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं टीचिंग करता हूँ तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं भाई ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, क्या होता है। बट कैमरा उठा लिया, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाया तो इसे देखिए मैं पढ़ाता हूँ। बेसिकली ये मेरा माइक वाइक है और यहाँ पर देखिए मेरा लग रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हेलमेट, ठीक है? यहाँ पर मैंने हेलमेट ले लिया। हेलमेट को भी मैं थोड़ा साफ करके इसको पहनूंगा क्योंकि बहुत मैं बाहर बहुत कम जा पाता हूँ। तो देखिए हेलमेट कितना गंदा पड़ा हुआ है। तो हेलमेट अभी मैं लूँगा और देखो मैं अपनी क्लास भी यहीं पर चेक करता हूँ, यहीं पे आप लोगों को कौन पढ़ता हूँ, जैसे मेरी क्लास चलती है मैं कौन पढ़ता रहता हूँ, ठीक है? चलिए, तो बिल्कुल ये कमरा है बट अभी बाहर चलेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ जो है। सो गाइस, बिल्कुल हेलमेट लगा लिया है, घड़ी भी पहन ली है, पर्स भी ले लिया है, DL भी ले लिया है, रेडी हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, मतलब पहले बाइक की चाबी लेते हैं, लाइटें वाइटें बंद करते हैं बिकॉज सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक? तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने, ये है मेरा बाइक का चाबी, ठीक है? पहले मैं लाइटें सारी बंद करता हूँ। ये मैंने लाइट बंद की और एक यहाँ पे पीछे लाइट बंद होता है, ये वाला छोटा लाइट जो यहाँ से बंद होता है, तो यहाँ से मैं लाइट बंद कर, देखो मेरा छोटा सा किचन भी इसमें, मैं कभी कभी खाना बनाता हूँ ना, देखो यहीं बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये सारी लाइट ऊपर लाइट बंद कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट ये लाइटें जो है मैंने बंद कर दिया, ठीक है? तो एक लाइट है बट वो एलेक्सा से कनेक्टेड है, तो मैं देखिए उसको ऐसे बंद करता हूँ, एलेक्सा लाइट ऑफ। तो चलिए एक लाइट ये भी बंद हो गया। तो ओके, कमरा बंद, अब हम जो है बाहर चलते हैं। बट हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, अपना चप्पल लेना, मतलब ऐसे पैदल जाऊँगा नहीं। हाँ, ऑब्वियसली बात है मंदिर में जो है नहीं जाना है, बट मेरा है ही कहाँ चप्पल, मुझे ही नहीं मिल रहा है। चलो मैं चप्पल ढूंढ के पहन के बाहर चलता हूँ, ठीक है? वेट, सच में मेरा चप्पल नहीं मिल रहा है क्या भाई? चलिए गाइस, तो मीडिया, अब चलते हैं हम लोग बाहर। चलिए गाइस, बाहर आ चुके हैं, धूप काफ़ी सही अच्छी निकली हुई है। और ये हमारा जो है बाइक है, अब इस पर लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। अभी आगे एक्चुअली में 2-4 लोग और मिलने वाले हैं, ठीक है? 2-4 लोग यानी कि मेरे 2 फ्रेंड और जो जाने वाले साथ में, तो बेसिकली बाइक वही चलाऊंगा मैं। तो अभी वहाँ तक जाऊँगा, वहाँ तक ले जाऊँगा। तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं, उनसे मिल लेते हैं, उसके बाद जाके जो वीडियो आपका जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी देखो हम यहाँ पर जो है दीपक के घर आ गए, मेरा जो फ्रेंड है, अब बाइक यहाँ से ये चलाएगा, ठीक है? और एक मेरा फ्रेंड ये अफेक है, हाय बोलो। क्या चाहिए भाई? अच्छा, बाइक की चाबी चाहिए, सॉरी। चलो यहाँ से ये चलाएंगे, हम वीडियो बनाते हुए चलेंगे और आपको दिखाएंगे भाई यहाँ से अयोध्या कैसे पड़ता है। कितना? हाँ ठीक है, तेल डलवा लेना। चलो, तो अभी हम लोग गली के अंदर है, गली बाहर निकलेंगे तो सामने पड़ता है तेलियागढ़, ठीक है? वहाँ से सीधे अयोध्या। देख, सस्ता हो गया पेट्रोल, कितना सस्ता हुआ है? हाँ, 97 रुपये इस बार पेट्रोल प्राइस कितना चला रही है? 97 रुपये 97 रुपये 130 रुपये
अब से फुल करा लेना। फुल कराओ, क्या करोगे पैसा बचा के? तो कार्ड से करवा लो, कार्ड लेके नहीं आयो क्या? ये क्या हमेशा दो उंगली दिखाते रहते हो? क्या जीतू? ये देखो अभी तो मेरे बंद करना नहीं है, देखो बंद ही करना नहीं आ रहा बेचारे को। अरे बाप रे, बंद करना पड़ेगा क्या? हमें तो बंद रही गया, हम करते हैं बंद रही गए। पेमेंट कर दिया, अब से निकलो, फंस गया बेचारा उससे फिर से। गाड़ी स्टार्ट करो भाई। अरे ठीक लगा ले, चलो स्टार्ट हो गया। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर देखिए आईटीआई कॉलेज है अयोध्या का, जो आईटीआई कॉलेज है, और हम लोग एकदम अयोध्या में प्रवेश कर गए हैं। और अभी आगे आप लोग देखेंगे, हम लोग जो है अयोध्या के माध्यम से जो है अभी आगे आपको मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा जो वीडियो को फास्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ भाई अयोध्या वाला जो गेट है वो कौन सा है। सो गाइस फाइनली यहाँ पर देखिए हम लोग अयोध्या गेट, यानी कि इसको बेसिकली उदया गेट बोलते हैं यहाँ पर। तो उदया गेट के पास पहुँच चुके हैं, उदया गेट के को क्रॉस करेंगे आगे तो हमको वहाँ पे साकेत यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक है, साकेत महाविद्यालय। काफ़ी लोग जो अयोध्या के रहने वाले होंगे, जो बीएड की तैयारी कर रहे होंगे, उनको मतलब वो भी सोचते होंगे ये कॉलेज मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सही कॉलेज माना जाता है। हाँ, नकल वकल नहीं होता, और आगे राम की पैड़ी भी है, बट कभी और टाइम होगा तो वो सब भी आपको घुमाएंगे राम की पैड़ी। बट आज का जो पूरा सीन है वो अयोध्या ही जाने का है, मतलब हनुमानगढ़ी जाने का है, क्योंकि आज तो मंगलवार है और आज जेठ का शायद तीसरा मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है, तो भीड़ जो है काफ़ी रहने वाली है, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको जो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये साकेत यूनिवर्सिटी है, साकेत महाविद्यालय देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो अभी हम लोग साकेत महाविद्यालय को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मेन गेट है। और आगे जो है थोड़ी दूरी पर जो हम लोग बिल्कुल समझ लीजिए जहाँ पर अयोध्या जो मतलब बिल्कुल प्रवेश द्वार है, या कह सकते हैं बिरला मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो बिरला मंदिर, उसके बाद हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी के जाने के कई सारे गेट हैं, बट एक ही दो गेट जो बेसिकली ओपन रहता है, तो वहाँ भी हम लोग यहाँ पर बेसिकली पहुँचेंगे। फाइनली हम लोग यहाँ पर जो है आ चुके हैं, और देख पा रहे हैं थोड़ा सा जाम, मतलब आज पता था भाई जाम लगने वाला है, मतलब भीड़ रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। बट देखते हैं, कहीं पहले बाइक को कहीं किनारे खड़ी करते हैं, उसके बाद जो हम लोग जो है अंदर चलेंगे और दिखाएंगे भाई वहाँ पर अंदर कितनी भीड़ रहने वाली है। देख पा रहे हैं मतलब काफ़ी, मतलब चलिए वहाँ एक सामने देखिए जगह दिख रही है, काफ़ी सारे बाइक, मतलब वैसे सबके वैसे घर ही हैं, बट चलो देखते हैं कहीं बाइक खड़ी करने की जगह मिल जाती है तो वहाँ खड़ी कर देते हैं। चलो अब से एक दो यहाँ पर खड़ा कर रहा है, हम लोग आगे देखते हैं भाई कहीं अगर प्लेस हो तो। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दीपक जो है बाइक खड़ी कर दे रहा है, और यहीं पे हम लोग जो है लॉक कर देंगे, मतलब बिल्कुल सेफ है, कोई चोरी करेगा नहीं, मुझे पता है, पूरा भरोसा है, ठीक है। देखो भाई ये रास्ता है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। चलो हम लोग बेसिकली लगभग पहुँचे हैं, सामने आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ये जो है हनुमानगढ़ी का जो बेसिकली मेन वाला जो मंदिर है दिख रहा है यहाँ से। अभी हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे भाई यहाँ पर कितनी भीड़ है, अभी तो भीड़ कम दिखाई पड़ रही है, बट अंदर भीड़ होगी, मुझे पूरा भरोसा भाई अंदर जो है काफ़ी भीड़ रहने वाली है। तो चलिए जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। हम लोग अंदर देखिए आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए दुकानें लगी हुई हैं, मतलब अब यहाँ पर मतलब इतनी सारी जो है लड्डू पेड़ा की दुकान दी, मतलब लड्डू की दुकान मिलेगी, और यहाँ पर पीछे अगर देखें मतलब दुकानों के तो भंडार, और दुकान वाले से बुलाएंगे भाई आओ आओ हमारे यहाँ से लो। और यहाँ पर खुरचन का पेड़ा काफ़ी फेमस है, और देख पा रहे होंगे ये भीड़, अब देख पा रहे होंगे अभी कितनी भीड़, अभी तो ये अंदर की भीड़ है भाई, हम अंदर जाएंगे वहाँ पर जहाँ पे हनुमान, अभी देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे अभी कितनी भीड़ दिख रही है, काफ़ी लोग लौट रहे हैं, काफ़ी लोग अभी अंदर जा रहे हैं, और अभी तो मतलब भीड़ तो मतलब क्या ही बता तुमको। अभी जो जहाँ पे हनुमान जी का मतलब बेसिकली प्रवेश द्वार है, मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार, वहाँ के भी आप भीड़ देखिएगा, मतलब बाप रे बाप,
जो भीड़ रहने वाली है आप देख करके परेशान हो जाओगे। अभी से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भीड़ कितनी है, और वैसे हर मंगलवार को भीड़ रहती है, बट आज जो है वैसे भी जेठ का जो तीसरा मंगलवार है, जो है आपका बड़ा मंगलवार इसको बोला जाता है, तो इस वजह से आपको ये भीड़ भी थोड़ी और ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अभी यहाँ पर आप सामने देख रहे हो, देखिए आपको सामने वो हनुमानगढ़ी दिख रहा होगा ना, थोड़ा जूम करते हो नहीं रहा है, बट हाँ देखिए कितनी भीड़, मतलब अंदर वहाँ तक हम लोग को जाना है अंदर, ठीक है। आज कितना भी मतलब लेट हो जाए, बट हम लोग यहाँ अंदर ये पूरा भीड़ जो है क्रॉस करके जाने वाले हैं, 1 घंटे लगे 1.5 घंटे लगे, बट हम लोग अंदर तो आज जाने वाले हैं, क्योंकि इतनी दूर आकर के तो है वापस जो है नहीं जाने वाले हैं। बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पर एक शॉप में आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग माला और जो प्रसाद है वो ख़रीदेंगे, और वो ख़रीद करके हम लोग जो है मंदिर के अंदर जाएंगे, क्योंकि भाई मंदिर में जा रहे हैं तो प्रसाद लेकर तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग जो है माला ख़रीद लिए हैं, हाथ वाथ धुल लिए हैं, और उसके बाद जो है हम लोग मंदिर में जाएंगे। अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है, कितना क्या लगता है। चप्पलों पर हम लोग इस दुकान में उतार दिए, मतलब आप लोग भी अयोध्या जाओगे तो जितनी दुकानें हैं वहाँ पर आपको जो है मतलब ये सुविधा मिल जाएगी, आप चप्पल वहाँ पर उतार दोगे बिल्कुल सेफ़ रहेगा, कोई आपकी चप्पल लेकर जाएगा नहीं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखिए प्रसाद ले लिया, और यहाँ पर जो है चप्पल मैं फिर से पहन लिया था, उसको उतार देता हूँ, और प्रसाद के साथ साथ एक माल ले लेता हूँ, ठीक। उसके बाद हम लोग जो है मंदिर के अंदर जाएंगे, और वहाँ पे मोबाइल मैं भीड़ में तो अंदर रख लूँगा, नहीं तो फिर मेरा मोबाइल कहीं गिर उड़ जाएगी, तो फिर हो जाएगा कल्याण। चलिए वैसे बेसिकली हमने प्रसाद ये तो ले लिया है, अब अग्रसर होते हैं मंदिर की ओर, देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है मंदिर में जाने का। भीड़ देख कर एक बार तो डर लग जा रहा है, बट चलिए अब यहाँ तक आए हैं तो अंदर तो जाना ही जाना है। भीड़ देख रहे हैं ना, कब अंदर घुसेंगे कैसे घुसेंगे मुझे कुछ नहीं पता है, बट हाँ भाई अंदर जाना है तो बस जाना है भाई। चलो फाइनली हम लोग आधे रास्ते पे तो पहुँच चुके हैं, मतलब आधा जो रास्ता आप देख पा रहे हो आधे रास्ते तक तो पहुँच चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग जो है एकदम मतलब ऊपर तक आ चुके हैं, इसके बाद बस एक और पड़ाव को जो है पार करना है, उसके बाद हम लोग सीधे प्रवेश कर जाएंगे मंदिर में हनुमानगढ़ी में। सभी लोग देखिए पैर छू करके जो अंदर जा रहे हैं, चलिए यहाँ पर देखिए अंदर, इसके बाद बस इसको और क्रॉस करना है, उसके बाद हम लोग अंदर पहुँच जाएंगे हनुमान लला के पास हनुमानगढ़ी में। तो ये साथियों जो सामने आपको दिख रहा है, यही सामने जो आपका जो हनुमान जी का जो मंदिर, हनुमान जो घड़ी है, यहाँ पे हनुमान जी स्थापित हैं, आपको यहाँ पर सामने दिख मिल जाएगा। थोड़ी सी भीड़ है, मैं देखता हूँ कहीं से रास्ता मिल जाए प्रसाद जो है चढ़ाने का, उसके बाद जो हम लोग प्रसाद यहाँ पर चढ़ा देंगे और आगे फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। बस यही सब चीज़ें आप देख सकते हैं, मंदिर कुछ इस तरीके से। वहाँ पर सामने देखिए आपको जो दिख रहे हैं वो पंडित जी हैं जो प्रसाद लेते हैं, जमा करते हैं, मतलब इतना फास्ट, इतनी भीड़ है क्या करेंगे भाई, वो भी वो बस लेते हैं, जमा करते हैं, दो लड्डू प्रसाद भगवान जी को चढ़ाते हैं और फिर आपको वापस कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर देखिए सामने पहुँच चुके हैं, और सामने देखिए हनुमान जी के हैं, तो जय बजरंगबली, हनुमान जी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अभी मैं यहाँ पर जो अपना प्रसाद भी चढ़ा दूँगा, फिर आगे हम लोग जो है चलेंगे देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें वैसे होती हैं। देखिए मेरा प्रसाद डिब्बा है, देखिए लिया पंडित जी ने और ये चढ़ा करके हमको जो है प्रसाद दे दिया, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जो है वैसे इतनी भीड़ है मतलब क्या ही कर सकते हैं, जो भी हो जाए जैसे भी दर्शन हो जाए वो बहुत है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे थोड़ी सी जो यहाँ पर परिक्रमा करने वाला प्लेस है, काफ़ी सारी जो मतलब घूमने लायक तो बहुत है, बट कोशिश करिएगा ऐसे दिन आइए जहाँ जिस दिन ज़्यादा भीड़ ना हो उस दिन आप लोग इसको अच्छे से जो है घूम पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अभी यहाँ पर अंदर चलते हैं हम लोग यहाँ से अंदर। बेसिकली यहाँ पर जो है एक हाँ यहाँ से परिक्रमा करते हैं, ये अंदर वाला प्लेस है, ठीक।
चेक करके खोल के चलिए। यहीं पर बगल में देखिए एक मंदिर है श्री राम लला की। यहाँ पर देखिए राम लक्ष्मण हैं और देख पा रहे हैं सीता जी हैं, नीचे जो है श्री हनुमान जी हैं। तो जय श्री राम। चलिए बिल्कुल, तो यहीं पर जो है आज मतलब ज़्यादा प्लान नहीं था, बस हनुमानगढ़ी आने का प्लान था। तो यहाँ पे इस ब्लॉग को हम लोग जो है एंड करेंगे, बट अभी जो है आप लोग जाइएगा मत, कुछ दिखा देते हैं हम लोग इसके बाद जो है थोड़ा बहुत अयोध्या और घूमें, कुछ फ़ोटोज़ आगे डाल देते हैं क्योंकि आगे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बने। अभी तुम्हारे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, कैसा लगा? मजा आया? डर तो नहीं हुआ? पीछे बताएंगे क्या हुआ।